Hello guys, मैं हूँ मैथ्यू और मैं हूँ सुमित. वेलकम टू जिम ऑन. हमेशा की तरह आज भी हम साई की फिटनेस में हैं. और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा रहेगा, हम लोग सिंगल बॉडी मसल पे वर्कआउट करने वाले थे और लास्ट वीडियो हम लोग ने बाइसेप पे किया था और आज हम लोग करने जा रहे हैं शोल्डर पे. तो चलो देखते हैं ये वर्कआउट कैसे करा है. आज हमारा शोल्डर का पहला एक्सरसाइज है स्टैंडिंग बारबेल प्रेस. तो आज हम देखेंगे स्टैंडिंग बारबेल प्रेस कैसे मारते हैं. तो इसके लेते टाइम आपको आपका शोल्डर लेवल पे इसको रॉड को पकड़ना है और जब इसका रेपिटेशन करते हो तो आपको 15, 12 और 8 का ही रखना है. और इसमें ये एक मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे प्रेशर आपके लैग्स पे भी आता है, बैक पे भी आता है और आपके बाइसेप्स पे भी आता है और शोल्डर पे तो जरूर आएगा. शोल्डर एक्सरसाइज है. तो अभी हम हमारा शोल्डर का दूसरा एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैंडिंग डंबल प्रेस. तो देखते हैं स्टैंडिंग डंबल प्रेस कैसे करते हैं. तो स्टैंडिंग डंबल प्रेस से आपको आपका पैर शोल्डर लेवल पे लेना है और जैसे आप इसको लिफ्ट करते हो तो दोनों कॉन्स्टेंट रखना है दोनों हाथ को. और इसका बेनिफिट ये है कि आपका शोल्डर बहुत यूज होगा और इस पे प्रेशर आपके पोस्टीरियर और इंटीरियर पे आता है, डेल्ट पे आता है. तो इसका रेपिटेशन आपको 15, 12 और 8 का ही रखना है. हमारा शोल्डर का तीसरा एक्सरसाइज है ऑल्टरनेटिव डंबल रेस. तो लेट्स सी. तो ऑल्टरनेटिव डंबल रेस में पोजीशन आपको आपका हाथ साइड में होना चाहिए, एल्बोज स्ट्रेट होना चाहिए और आपको अभी ये दिखाएंगे कि कैसे करना है. तो जैसे आप इसको फ्रंट में रेस करते हो शोल्डर के, आपको उसमें स्विंग नहीं करना है, एकदम कंट्रोल करना है अपने हाथ को. और जैसे आपका एक रैप होता है तो आपको अपने रिटर्न साइड पे आना है जहां से आपने निकाला है और हर रेपिटेशन पे ध्यान देना है स्टार्टिंग पोजिशन और कंटिन्यू पोजिशन में. और इससे आपका शोल्डर्स पे प्रेशर डेल्ट्स पे आता है और इसका रैप आपको 15, 12 और 8 का ही रखना है. तो अभी हम हमारा शोल्डर का चौथा एक्सरसाइज करने आ रहे हैं जिसको कहते हैं अपराइट रोइंग. तो लेट्स सी. जब अपराइट रोइंग करते हो तो आपका शोल्डर एकदम स्टिफ होना चाहिए और आपका हाथ का मूवमेंट होना चाहिए. जैसे आप ऊपर रेज करते हो तो आपको होल्ड कर रहे हैं उसको और इसको आपको फास्ट फास्ट में नहीं करना, बहुत स्लोली का एक्सरसाइज करना है तभी आपको प्रेशर फील होगा. और ये भी एक मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज है इससे कि प्रेशर ट्राइसेप्स से भी आता है शोल्डर के अलावा. तो अभी हमारा शोल्डर का लास्ट एक्सरसाइज करने वाले जिसका नाम है डंबल श्रग्स. तो देखते हैं डंबल श्रग्स कैसे करते हैं. तो डंबल शक में भी आपको आपका हाथ साइड पे रखना है और इसमें सिर्फ आपका शोल्डर मूवमेंट होना चाहिए, हाथ नहीं उठना चाहिए. इसको आपका शोल्डर आपके कान तक टच करने की कोशिश करना है. डंबल शक एक बेनिफिशियल एक्सरसाइज है और ज्यादातर इससे हैवी वेट्स पे ही किया जाता है. तो इसका भी रहे 15, 12 और 8 का ही करना है. तो गाइस हमारा शोल्डर का वर्कआउट यही पे खत्म होता है. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.